हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइंड करेंगे ए की पावर 2 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 2 एंड ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4। अब आप यहाँ पे देखिए, हमें गिवन है ए प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 6। इससे हमें पता चल रहा है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए। अब देखिए, ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू आपको 6 दी हुई है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस ए से ए कट गया तो वैल्यू क्या हो गई 2। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 2। प्लस का 2 है, इससे माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 36 माइनस 2 इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई आपकी ए का स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए वैल्यू क्या आ गई, ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर इक्वल टू 34। नेक्स्ट हमें देखिए, हमें क्या निकालना है, ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4। तो इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का स्क्वायर 1 अपॉन ए का स्क्वायर। ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली है 34। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 34 का स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 प्लस यहां पे भी ए स्क्वायर कट गया तो 2। अब 34 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1156 इक्वल टू ए की पावर 4 प्लस 2। अब हमें यही वैल्यू निकालनी थी, तो प्लस का 2 है, इसको हम क्या ले करेंगे इसके पास ले जाएंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। तो हमारा आंसर निकल के आएगा ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 इक्वल टू 1156 माइनस 2। तो आंसर क्या निकल के आ गया, माइनस किया हमने तो 1154, ये हमारी वैल्यू है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।